वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसार देवी। यहाँ मैं कल रात को 9 बजे सही सलामत अपने आराम से पहुँच गया। किसी चीता वगैरह ने मुझ पर अटैक नहीं करा, बट हाँ यहाँ पे आते हमारे एक खतरनाक चीता इस घर में रहता है, इसका नाम नवाब है। उसने ज़रूर भौंका था मुझ पर, बट आज मैंने उससे दोस्ती कर ली और अभी वो सुस्त हो गया बैठा हुआ है। नवाब बगीरा को तो आपने देखा होगा पुराने उत्तराखंड सीरीज में, ये हमारा नवाब है ना। नवाब नवाब दोस्त है ना अपन। हाँ बगीरा से मुझे डर डर लगता है, बगू हमारी झटका मारती है ना बगीरा। हाँ हाँ बगीरा इसको काटने की बीमारी अभी भी है। तो यहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ कुछ दिन, दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जिनसे मुझे डर भी लगता है और प्यार भी आता है। और ओ व्लॉग में आना नवाब को, नवाब को व्लॉग में आना है, नवाब को ही देंगे हम व्लॉग में, है ना नवाब, है ना नवाब, व्लॉग में आएगा नवाब। कसार के अंदर डे वन मेरा और ये राइड का मेरा डे थ्री, और आज हम जा रहे हैं अभी अल्मोड़ा और मैं आपको ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूट दिखाता हूँ मेरे जो फ्रेंड के घर तक है। सो माय फ्रेंड ओन्स हिमालयन एंड ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर एंड यू कैन सी हिज अमेजिंग शॉट्स ऑन इंस्टाग्राम। अकाउंट नेम YDN3, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके देखिएगा जरूर, आपको बहुत मजा आएगा। ट्रूली मतलब डेली मजा आएगा, मतलब भाई के घर तक आने का और घर से वापस बाहर जाने का पूरा रास्ता एडवेंचर भरा, एकदम रोड रेज वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। हम दोनों के बीच में रेस लग रही है हिमालयन और KTM, बट मैं रेस लगा नहीं रहा क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है और ये इन रास्तों से वाकिफ हैं। इस रोड पे आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब मैं यहाँ पर रहा करता था। 30 दिन यहाँ पे निकाले मैंने, 30 डेज, और वो बहुत ही शानदार 30 दिन रहे थे मेरे यहाँ पे। उस ईयर की तो बेस्ट ट्रिप थी मेरी। अबे ना भैया हमारे फुल फॉर्म में चल रहे हैं, अरे इधर फोटो शूट चल रहा है रे बाबा। मगर एग्जॉस्ट फैन है क्या? एग्जॉस्ट फैन नहीं है। हाँ जरूरत ही नहीं है। एग्जॉस्ट फैन है क्या? जरूरत ही नहीं है। है क्या? जब से मैं आया हूँ मेरे है ना, गर्म हो जाती है जल्दी। जब से मैं आया हूँ मेरे है ना पीछे वो पड़ गया, KTM वर्सेस हिमालयन। हाँ हेडलाइट अच्छी है क्या हिमालयन की बता? हेडलाइट अच्छी है हिमालयन की? कहाँ अच्छी लगती है, कल रात तो क्या क्या बोल रहा था कि हिमालयन की हेडलाइट बकवास है, KTM की बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा कल रात क्यों हो रहा था, अभी पलट रहा है? मैं क्यों बोलूंगा भाई, पलट रहा है पलट रहा है। ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी बोलोगे मतलब? कुछ भी क्या मतलब, तुम कैमरे के आगे पलट रहे हो? हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जब आप आगे चल रहे थे तो आप बाइक फिर भगा रहे थे, एकदम स्टंट कर रहे थे, मामला क्या था ये बताओ। मैं खड्डों के ऊपर से जा रहा था। अच्छा तो अच्छा इसको स्टंट नहीं। अच्छा भाई हमारी भाषा में तो इसको हम स्टंट ही कहते हैं, हम तो सैडल बोलते हैं। और तुम जिम से पहले इतना कार्डियो करते हो, इतना कहाँ है? हाँ भाई हम तो प्लेन्स वाले ना, तुम पहाड़ी हो, पहाड़ी तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं चलने में? ओह अब तुम कह रहे हो कि इतना चलने के बाद एक्सरसाइज करो यार, अपने बॉस नहीं आए? कैसे हो? बस कसार के हीरो से मिलना है हमको। वापस अब घर को निकल रहे हैं जिम में वर्कआउट करके, मैं नहीं अभिनव भाई, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था, थोड़े बहुत अपने पुराने बॉक्सिंग के पंचेस वगैरह याद आ रहे थे, तो थोड़े बहुत बॉक्सिंग वाला जो है उसे पंचेस मार रहे थे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तो यहाँ से हम निकल ही रहे थे तो अभिनव भाई बोले कि बाइक वॉश करानी, मैंने कहा यार बाइक तो मुझे भी वॉश करानी है, तो अब हम दोनों जा रहे हैं बाइक वॉश करवाने। चार्जेस भी बहुत कम है, मैंने पूछा कितना, 50 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ तो बहुत नॉमिनल है यार। छोटी छोटी गलियों के ट्रैफिक के अंदर ऐसा फंस गए कि अभिनव भाई लगता है बहुत आगे निकल गए और मैं रह गया पीछे, वो जहाँ भी टर्न होगा वहाँ रुक जाएंगे। Thank you.
जब एक तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग करके आते हो आप, जिसके अंदर बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ी हुई आपके रास्ते में, रास्ते में ये कहूँगा कि बाइक वॉश करानी चाहिए। उससे क्या है कि आपकी बाइक और ज़्यादा अच्छे से चलेगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और विनो भाई कह रहे हैं कि 30 days 30 vlogs क्या कहती है जनता, करूँ मैं स्टार्ट 30 days 30 vlogs सीरीज? हाँ तो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी दैट कि यस टू स्टार्ट 30 days 30 vlogs। ये कसार जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है अल्मोड़ा से, रास्ता हमारा विनो भैया का सबसे फेवरेट है। रास्ता हैवी, थोड़ा सा रिस्की लगता है क्योंकि आगे से एकदम से गाड़ी आ गई तो ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ पे। इस रास्ते जब मैं पहली बार आया था जिप्सी में तो भैया बहुत बुरी तरह डर गया था मैं तो, जिप्सी ऊपर से, और ऐसा लग रहा था कि बस गई गाड़ी साइड में, गई बस गई, बाइक पे इतना नहीं लग रहा जितना जिप्सी में लगा था मुझे। जो मैंने बोला था वही हुआ, जैसी एक गाड़ी रास्ते पे आती है तो आप पूरे ब्लॉक हो जाते हो, बाइक भी निकलना मुश्किल होता है। बैक टू होम नवाब।